आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर फार्मासिस्ट का एग्जाम या फिर जीपेट का एग्जाम, मतलब कि फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग या फार्मा फील्ड के रिगार्डिंग कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमेशा फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस से शेड्यूल के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसा सिंपली ट्रिकी हम बात करेंगे कि सर इन शेड्यूल को कैसे हम याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में लास्ट में सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले सालों में एम्स के एग्जाम में आया था, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में एम्स की वैकेंसी जो है वो भी आ चुकी है, जिसके की फॉर्म कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और फ्यूचर में इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, ये जो शेड्यूल है हमारे आते किसमें है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यहाँ पे आते हैं, जो कि कब लागू हुआ। सर ये पास तो हुआ था 1940 को, बट इसके रूल्स जो है वो 1945 तक इंप्लीमेंट हुए। तो शेड्यूल एंड देयर समरी जो है इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कौन सा आता है सर, अल्फाबेटिकली ए से शुरू होंगे और वाई तक जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इजिली हम याद भी करते जाएंगे कि सर इनको याद कैसे करने हैं, ठीक है जी। तो शेड्यूल ए का मतलब क्या है, श्री गणेश यहां से हो रहा है। ए का मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सर हम किसी भी चीज का, जब आपको बी फार्म करनी थी या फिर डिप्लोमा करना था या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम का फॉर्म भरना था, सबसे पहले आपने क्या किया, सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरी है ना, जहां जहां मैंने हाईलाइट कर रखा है बस उन्हीं वर्ड को आपको याद रखना है। और मेरी गारंटी है आपको इजीली एग्जामिनेशन में जब चार ऑप्शन आप देखेंगे आपको क्लियरली याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है सर, ए फॉर क्या हो गया कि एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर इशूइंग लाइसेंस, है ना, ग्रांटिंग लाइसेंस अंडर द एक्ट, मतलब कि जितने भी मतलब एप्लीकेशन परफॉर्मा है इशूइंग करना, वो सारे के सारे आप किसके अंदर में आएंगे, शेड्यूल ए के अंदर में। सिंपल था, याद हो गया। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो फीस तो लगेगी ना भैया, तो शेड्यूल सी में आपका यही है, जितनी भी आपकी फीस एंड टेस्ट ऑफ एनालिसिस बाय सीडीएल, मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट के थ्रू। समझ में आ गई बात, सिंपल सा था। शेड्यूल ए और बी तो बिल्कुल ईजी है, यूजुअली याद नहीं है बट हमें याद तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल सी में, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि आप जानते हैं देखिए यहाँ पे जितनी भी आपकी रेस्ट ऑफ मेडिसिन है, मतलब कि शेड्यूल सी कौन सा है सर, जिसमें कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, और शेड्यूल सी वन क्या है, अदर देन द स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपके कौन से हो गए सर, हमारी वैक्सीन हो गई, सीरम हो गई, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है इसमें आते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, कंटेन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें कि क्या आते हैं, वैक्सीन सीरम आपकी आती है, एंड देयर रेगुलेशन, वैक्सीन सीरम वैक्सीन जो भी है आपकी उनकी सारी रेगुलेशन, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इम्पोर्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड ए स्पेशल प्रोविजन, एग्जांपल सीरम और आपका विटामिन सी या वैक्सीन। समझ में आ रही बात, जितने भी आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे शेड्यूल सी में आते हैं। सी, ये सी वन है ना, सी वन है शेड्यूल, सी वन अदर देन स्पेसिबल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड ए स्पेशल प्रोविजन, ठीक है जी, ये सारे के सारे हमें याद हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम शेड्यूल डी के बारे में, है ना, शेड्यूल डी में क्या है, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्पेशल प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ड्रग, मतलब कुछ ऐसी ड्रग है जो एग्जेम्प्टेड है फॉर स्पेशल प्रोविजन के अंदर में, वो सारी की सारी किस में आएगी, आपकी शेड्यूल डी में आएगी। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल ई, शेड्यूल ई में क्या था, वेरियस पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन विच आर ओमिटेड, मतलब कि ये जो आपके जितने भी पॉइजन सब्सटेंस है वो इस शेड्यूल में आते थे, जो कि ओमिटेड मतलब कि उसको स्किप कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना शेड्यूल ई वाला। अब यहाँ पे शेड्यूल ई वन करके आता है, जिसमें कि आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा जितने पॉइजन सब्सटेंस है वो सारे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल एफ के बारे में, शेड्यूल एफ का मतलब क्या है कि सर दीज कंटेन रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड रनिंग ऑफ ब्लड बैंक, है ना, इसमें है ब्लड बैंक के लिए यहाँ पे, जिसमें कि आपको पता है एक ब्लड बैंक को रनिंग करने के लिए उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड और रेगुलेशन लगते हैं, इसके लिए ये सारा क्राइटेरिया आपका शेड्यूल एफ में लगता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्लड का रिलेशन आपका फादर के साथ है, तो शेड्यूल एफ से याद रख सकते हैं। मतलब देखिए ये जो ट्रिक है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपको याद रहे वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे हिसाब से आप नहीं भूलेंगे,
कि शेड्यूल एफ का सर ने बताया था कि ब्लड रिलेशन बोले तो ब्लड बैंक के जो भी ओपनिंग करनी है आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग ये हो सकता है। हम बात करते हैं शेड्यूल एफ वन, एफ टू और एफ थ्री के बारे में, और तीनों को हमें करस्पॉन्डिंग ही याद रखना है। क्या याद रखना है? शेड्यूल एफ वन जो है सर हमारे वैक्सीन के जितने भी स्टैंडर्ड है ना, दीज कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैक्सीन। शेड्यूल एफ टू जो है वो क्या है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो सारे रहते हैं। और शेड्यूल थ्री में है ना, एफ थ्री में आपका क्या है अम्बिलिकल टैप्स, मतलब कि आप जानते हैं अम्बिलिकल टैप्स क्या होती है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके जो नाभि पे टैप लगाते हैं ना, अम्बिलिकल टैप जिसको हम बोलते हैं, वो सारी कैटेगरी किसमें आएगी, शेड्यूल एफ थ्री में आएगी। तो ये तीनों ही आपको ऐसे याद रखना है सर, शेड्यूल एफ वन जो है वो वैक्सीन का है सर, शेड्यूल एफ टू जो है वो सर्जिकल का है, और सर शेड्यूल थ्री जो है वो अम्बिलिकल एड का आपका रहने वाला है। नेक्स्ट सर शेड्यूल एफ एफ, तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, एफ एफ दो आ गया है ना, दो एफ आ गया। दो क्या है? हमारी आंखें हैं सर, तो जितने भी आपके ऑप्टमेलमिक ऑइंटमेंट है या सॉल्यूशन है वो सारे के सारे शेड्यूल एफ एफ में आते हैं। कुछ भी कैसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ कुछ एक ट्रिक लगा के याद करते हैं तो याद आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं शेड्यूल जी के बारे में, तो लिस्ट ऑफ गिवन ड्रग अंडर द मेडिकल सुपरविजन, मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि अंडर द मेडिकल सुपरविजन से ही दी जाती है, कौन सी है सर? शेड्यूल जी का। और यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया था कि शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आती है। अब बात आती है शेड्यूल एच की, तो मोस्ट ऑफ जो आप मेडिसिन देखते हैं अपने घर पे, चाहे वो आपकी एंटीबायोटिक हो या फिर कोई भी मेडिसिन है, ज्यादातर पे शेड्यूल एच लिखा हुआ होता है, मतलब कि क्या है अंडर द प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब जितनी भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स आती है, सोल्ड बाय रिटेल ओनली फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन है ना। तो शेड्यूल एच से आप ये याद रख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जितने भी आपकी एंटीबायोटिक्स है ज्यादातर है ना प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, हो गया आपका। तो शेड्यूल एच से आप याद रख सकते हैं, इजीली आपको याद रहेगा कि जितने भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्रग है, मतलब शेड्यूल एच से आप मेरा नाम याद रख सकते हैं कि सर हिमांशु सर ने बताया था कि शेड्यूल एच जो है वो किसके लिए है, जितने भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्रग है ना, पर्चे में जो आती है, प्रिस्क्रिप्शन में जो आती है, वो सारी की सारी आप याद रखते हैं, कुछ भी याद रखते हैं भैया है ना। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल जे का मतलब क्या है, आपका आता है शेड्यूल जे का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ डिजीज ए ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट द क्योर, मतलब कि ऐसी दवा जो कि क्लेम नहीं करती कि आपकी डिजीज जो है वो सही हो जाएगी है ना, वो सारे की सारी मेडिसिन किसमें है, शेड्यूल जे में है ना, किसमें है, शेड्यूल जे। आप ये समझ सकते हैं जे से क्या हो गया, अपना जुगाड़ हो गया, मतलब कि अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया हम क्लेम नहीं कर सकते है ना। शेड्यूल जे में आपको याद आ जाना चाहिए सर, जितनी भी ड्रग है, ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट द क्योर, ऐसे आपको जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्रग एग्जेम्प्टेड सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड सेल्स है ना, प्रोविजन में ये सारी ड्रग आती है आपकी शेड्यूल के में। नेक्स्ट आपका आता है शेड्यूल ए जो है वो भी ओमिटेड है, स्किप कर दिया गया है। शेड्यूल एल वन की हम बात करें तो क्या है, जी एल पी है ना, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जी एल पी आ रहा है तो सर शेड्यूल एल जो है वो जी एल पी में आता है, और जी एम पी आ रहा है ना, जी एम पी बोले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो आपका शेड्यूल एम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, शेड्यूल एम में आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर, हमें याद हो गया कि अगर जी एल पी की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल एल वन जो है इसका रहेगा, और जी एम पी की हम बात कर रहे हैं तो शेड्यूल एम जो है वो इसमें आएगा। इसके रिगार्डिंग और भी है, देखिए यहाँ पे एलोपैथी के साथ साथ भी जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल एम वन जो है वो होम्योपैथिक के लिए है, शेड्यूल एम टू मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कॉस्मेटिक के लिए, और शेड्यूल एम थ्री जो है आपका मेडिकल डिवाइसेस के लिए, तो साथ में याद करेंगे तो हो जाएगा। मीनवाइल जीएमपी याद रखना है, जब भी शेड्यूल एम आवे तो जीएमपी बोले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है जी, पहला है होम्योपैथिक, दूसरा कॉस्मेटिक और तीसरा मेडिकल डिवाइस के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन है ना, एन का मतलब क्या है, नेसेसरी, नेसेसरी मतलब कि मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी प्रोफेशन, मतलब किसी भी फार्मेसी प्रोफेशन को रनिंग करने के लिए मिनिमम जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, एन से आप ऐसे याद कर सकते हैं, वो आपके शेड्यूल एन में रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल ओ, ओ का मतलब क्या है,
डिसइंफेक्टेंट आपका मतलब जितने भी आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं ना, जो कीटाणु मारने के लिए जितने भी रहते हैं आपके, तो शेड्यूल ओ जो है वो इसमें भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल पी की मैं बात करूं तो देखिए लाइफ पीरियड ड्रग जो होती है वो शेड्यूल पी में आती है, तो पी से पीरियड से यहाँ पे आप याद रख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था। नेक्स्ट शेड्यूल पी वन की मैं बात करूं तो पैक साइज ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग की पैक साइज कैसी रहेगी, मतलब एल्यू एल्यू ब्लिस्टर में आएगी, ब्लिस्टर में आएगी, मतलब टैबलेट जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट में होगी, कैसा पैकिंग होगा, किस हिसाब से रहेगी, वो सारा यहाँ पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल क्यू के बारे में, तो क्यू से क्या होता है, कलर है ना, जितने भी आप हेयर डाई यूज करते हैं तो उससे आप याद रख सकते हैं कि कंटेंट ऑफ लिस्ट परमिटेड डाई एंड पिगमेंट सोप एंड कॉस्मेटिक में जो हम यूज करते हैं वो सारे किस में आएंगे, क्यू में आएंगे ना, क्यू से कलर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल आर की, मैं बात करूं तो जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्ट के जितने भी स्टैंडर्ड है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल एस के बारे में, तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक है ना, कॉस्मेटिक, तो देखिए शेड्यूल एस का मतलब कॉस्मेटिक हो गया, मतलब कैसे भी आप याद रखते हैं एस, एस क्या है, ऐश्वर्या राय क्या लगाती है, कॉस्मेटिक लगाती है, तो सर एस से हमें कॉस्मेटिक याद हो जाएगा, कुछ भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल टी की मैं बात करूं तो देखिए यहां पे जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, टी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये क्या कर रहे हैं भैया, मैं योगा कर रहा हूँ, आयुर्वेदा कर रहा हूँ, तो याद रखना जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी शेड्यूल टी में आयुर्वेदा जीएमपी जो जीएमपी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब शेड्यूल यू का क्या है, बड़ा लोचा है, यू का क्या लेते हैं आप, यू टर्न ले लेते हैं, तो क्या है, रिकॉर्ड ड्रग ऑफ टू बी शो इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, और यहाँ पे क्या, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक है ना, यू वन और यू को हम समझेंगे, मतलब आपको क्या है, इंस्पेक्शन आता है जब आपको पूरा का पूरा फाइलों का यू टर्न लेना पड़ता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं जितना भी रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ ड्रग एंड पर्टिकुलर टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड, ठीक है, वो सारे के सारे आपके यू टर्न में आएंगे, यू आएगा याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है शेड्यूल वी, जिसमें कि पेटेंट है ना, वी फॉर क्या है, आपकी विक्ट्री है ना, जब आप पेटेंट करवाओगे जीवन में एक बड़ा नाम करोगे, तो याद रखना शेड्यूल वी के थ्रू आपने काम किया है ना, विक्ट्री मिल गई है आपको, ठीक है जी। अब इसी के साथ लास्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल डब्ल्यू के बारे में, तो डब्ल्यू से आप ये याद रख सकते हैं जेनरिक फार्म है ना, ड्रग्स मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम, जैसे कि आप जानते हैं ड्रग का जेनरिक नेम होता है, तो ऐसी ड्रग जो कि ओनली फॉर जेनरिक नेम से ही मार्केट में आती है, तो वो सारे के सारे शेड्यूल किस में आ जाएगा आपका, डब्ल्यू से आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डब्ल्यू से आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम याद करते हैं देखिए शेड्यूल एक्स के बारे में, तो जितने भी आपके है ना हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है ना, जितने भी नार्कोटिक्स आपकी जो है सेडेटिव होती है ड्रग्स, वो सारी की सारी इसमें आती है, किस में आती है, शेड्यूल एक्स में आती है। नेक्स्ट शेड्यूल वाई की मैं बात करूं तो जितने भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, वाई से आप याद रख सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में जितने भी आपकी ड्रग्स बढ़ती है, मतलब आपको ये जो वर्ड याद रख सकते हैं, वाई जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिक्वायरमेंट के लिए है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो है बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोट करके मैंने लिखा है, और आपने देखा होगा कई बार तो एग्जाम में सिंपली पूछ लेते हैं कि सर फला फला शेड्यूल जो है वो कहां पे यूज होता है, बट इसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1982 में शेड्यूल ई आई एल है ना, शेड्यूल ई आई एल को ओमिटेड कर दिया, मतलब स्किप कर दिया गया, और शेड्यूल जी और एच को रिवाइज किया गया है ना, शेड्यूल जी और एच को रिवाइज बोले तो कुछ ड्रग डाली और कुछ बाहर निकाली इस हिसाब से, और शेड्यूल एक्स को ऐड किया गया जो भी आपका नार्कोटिक्स के लिए था, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1988 में क्या हुआ, शेड्यूल एम और वाई को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएमपी है ना, एम और वाई को इंट्रोड्यूस किया गया, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एम्स के एग्जाम में, याद रखा है कि सर ये शेड्यूल कब ऐड किया गया या फिर इसको रिवाइज कब किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल अपडेट, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।